पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी, जो चीजें धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं, सवाल उनके उस तरीके को लेकर है। वो बार बार चमत्कार का दावा उनके पंडालों में किया जाता है, वो एक पर्चा लिखते हैं और उस पर्चे के साथ जो समस्या होती है उसका समाधान लिखते हैं कि देखिए जाइए आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। इस मेथड को लेकर सवाल है कि क्या किसी को बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास ना जाके पहले धर्म में उसका मतलब ढूंढे, धर्म में उसका समाधान ढूंढे। पुत्री प्राची प्रासर, यहाँ प्रश्न है कि जो कुछ भी आज चार दिन से चल रहा है सारे मीडिया चैनलों पर, जिस परंपरा से है और अभी जगत गुरु शंकराचार्य अबू मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जो जोशी मठ के संदर्भ में बयान दिया है, तो आदि शंकराचार्य ने पर काया प्रवेश किया था कि नहीं, यह हमारी परंपरा है। आओ, हमारे चाचा गुरु लगते हैं तो जो संत हैं गड्ढे नाले भरेंगे, लोकसभा के सांसद हैं, उनका कार्य क्षेत्र अलग है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विधानसभा के जो सदस्य है उनका कार्य क्षेत्र अलग है, और जो नगर निगम पंचायत के मुखिया हैं या पार्षद हैं या महापौर हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, तो सबके कार्य क्षेत्र का भारत के संविधान ने विभाजित कर रखा है। रह गया समय कम है तो मैं एक ही बात कहूँगा, भारत के संतों में और भारत के वनस्पतियों में वह शक्ति और सामर्थ्य है कि संपूर्ण राष्ट्र और विश्व की रक्षा कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना हमारा नारा है, ठीक, और विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यह हमारी चिंतन है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए अनादिकाल से हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि, हमारे मुनियों ने चिंतन किया कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी ने, बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए एक मंत्र छोटा सा प्राची जी बोल देता हूँ, ये आकाशा आकाशा वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा रापा औषधिया, ये क्या है, ये सृष्टि उल्टी हो रही है। सबसे पहले क्या बनता है, आकाश, खाली जगह, उसका स्पर्श नहीं हो सकता, फिर बनती है वायु, उसका स्पर्श हो सकता है, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी, पानी से पृथ्वी। अरे देखो ये सृष्टि उल्टी हो रही है, आप तो मानोगे नहीं। आप जन्म माँ के बाप के इस सृष्टि से लेते हो, खाना इस सृष्टि से लेते हो, आप सूरज को नहीं मानते। सनल जी, आपने 2 बार 3 बार तो हमारे इसी टीवी इंडिया टीवी पे आपने बहस की है सूर्य ग्रहण पर, और तभी भी आपको सब ने डांटा था लेकिन आपने नहीं माना। अपने क्रिश्चियन धर्म में तो कह रहे हो वो तो चमत्कार नहीं है। क्रिश्चियन चीज तो आप मत बताओ, मैं तो क्रिश्चियन बिल्कुल नहीं हूँ। अरे नहीं भी है तो फिर आप उनको क्यों नहीं, आप हमारे बाबा के तो खिलाफ आगे चमत्कार नहीं है। मेरा माँ तो हिंदू, आप वहाँ उनको चमत्कार नहीं बता रहे। बार बार जी के बेनीवाल जी, वो बार बार कह रहे हैं मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, और वो ये भी कह रहे हैं किसी भी धर्म में ऐसा होता है तो हम सवाल उठाते हैं। प्रियंका जी, गलत आरोप। मैं गुरुजी से यही बोलना चाहूंगी कि बात यहाँ पर एक धर्म की नहीं है, बात है गलत और सही की। अगर कोई चीज गलत है तो उसको सबको साथ मिलकर के आवाज उठानी चाहिए और कानून का काम कानून को करने देना चाहिए। अब ये बायकॉट और ट्रॉलिंग जो स्टार्ट हो जाती है, आप ये देखिए ना, वहां पे बालेश्वर धाम में भी जब से ये बात आई है, जब से चैलेंज हुआ है, तब से खुला हजारों की संख्या में लाखों की भीड़ के सामने ये बोला जा रहा है कि भाई जो आदमी हमें चैलेंज कर रहा है वो रावण के खानदान का है, उसको बायकॉट करो, उसको आप बिल्कुल अलग कर दीजिए। आखिर क्यों चैलेंज करने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या है? अगर आपके अंदर शक्तियां हैं, आपके आपने ध्यान लगा करके इतनी शक्तियां प्राप्त की हैं, तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। और आप तो गुरु हैं, आपको तो कंट्रोल होना चाहिए ना, आपको तो बड़ा शांतिपूर्वक लोगों को समझाना चाहिए कि इसमें कोई गलत नहीं है, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बात यहां पर तब आती है जब कानून को अपने हाथ में लिया जाता है, लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, और कम्युनल जो आपके भाषण है वो भी इस तरह के होते हैं कि धर्मों के अंदर भी आप डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि उस धर्म को आप नीचे देखिए, हमारे धर्म को ऊपर देखिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, हर किसी के अंदर सब चीजें हैं, हमारे धर्म के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सब गुरु की बात नहीं कर रही हूं, आपको ये बताइए अंदर भी ऐसे लोग हैं, अखंडी लोग जो गुरु का भेष बना करके लोगों को। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए
भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो बात कर रही है, ऐसे लोगों को आपको बायकॉट करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आपको कानून के खुद समर्पित भी करना पड़ेगा। आप लोगों को भी साथ बोलिएगा, जो बयान दिए जाते हैं, जो भड़काऊ बात कही जाती है, उसका समर्थन कोई नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि जेके बेनीवाल जी और पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी इस बात का समर्थन करेंगे, कोई इस बात का समर्थन नहीं करेगा। हिंदुओं को संगठित करने की बात करते हैं तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? चीज नहीं है ये, तो अंधविश्वास प्रचार करता है ये, डोंगी बाबा है ये, तो सीधा बताने के लिए शर्म नहीं करना पड़ेगा। सीधी बात है, आप सनल जी उनको ढोंगी बाबा कह रहे हैं। अरे वो चैलेंज को स्वीकार किए हैं आप समझ रहे हैं? उन्होंने कभी कहा ही नहीं चमत्कार कर रहा हूं। वो कह रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र देखेंगे। इनकी एक महिला ने शनिचर सिंगापुर के ऊपर सवाल उठाए थे। ठीक है सनल जी और प्रियंका जी, एक एक करके, क्योंकि सब एक ही सुर में बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा क्या तर्क दिए जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।